हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर सिविल अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने जच्चा बच्चा की मौत का कारण चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही बताया। युवती 9 माह की गर्भवती थी, जिसे मंगलवार दोपहर को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसकी हालत बिगड़ने पर उसे PGI रेफर कर दिया, लेकिन जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत और परिजनों के हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानंद में थाना शहर प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु लोगों ने एक नहीं सुनी। गर्भवती की आयु मात्र 20 साल थी और चिकित्सकों ने इसी महाप्रसव का समय भी दिया हुआ था। करीब 1.5 घंटा लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत से लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति महेश की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस को दी शिकायत में गोंडा निवासी महेश ने बताया कि वो यहाँ प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता है और शांति कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है। महेश ने बताया कि उसने पिछले साल 6 जून को वंदना से प्रेम विवाह किया था और वो भी उसके साथ शांति कॉलोनी में रहती थी। वंदना 9 माह की गर्भवती थी और चिकित्सकों ने इस माह के अंत तक प्रसव का समय दिया था। महेश ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे उसे सिविल अस्पताल लेकर आया था। चिकित्सकों ने वंदना को भर्ती कर लिया और इस दौरान उसकी तबीयत भी ठीक थी। फिर दोपहर में चिकित्सकों ने बताया कि वंदना में खून की कमी है और BP भी ज्यादा था, जिस पर उसने अपने स्तर पर खून का इंतजाम किया। इसके बाद वंदना को 2 यूनिट खून चढ़ाया गया, परंतु उसकी हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ गई। फिर चिकित्सकों ने अल सुबह करीब 4:30 या 5 बजे वंदना को PGI रेफर कर दिया। PGI ले जाते हुए उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने महेश की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के बाद जच्चा और शिशु का शव परिजनों को सौंप दिया। महेश ने बताया कि वे तड़के वंदना को लेकर सिविल अस्पताल से PGI के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान वे उसे लेकर शहर से कुछ दूर ही पहुंचे थे कि वंदना की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिस पर वे उसे बीच रास्ते से वापस सिविल अस्पताल लेकर आ गए। इस दौरान चिकित्सकों ने वंदना को मृत घोषित कर दिया। महेश ने बताया कि वंदना की मौत चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से हुई है। चिकित्सकों ने उसे आखिरी समय तक ये भी नहीं बताया था कि वंदना की डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन। महेश ने बताया कि दोपहर बाद वंदना को रक्त चढ़ाया गया था। इसके बाद उसे कोई इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो गया। इसमें चिकित्सकों और नर्सों पर कार्रवाई करनी चाहिए। थाना शहर जगाधरी के प्रभारी जनक राज ने बताया कि पुलिस ने मामले में मृतका के पति की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस ने मामले में चिकित्सकों और नर्स से जानकारी ली है। गर्भवती को PGI के लिए रेफर किया गया था, परंतु रास्ते में ज्यादा तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे सिविल अस्पताल ले आए, परंतु तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस मामले में विभागीय जांच करवाकर रिपोर्ट पुलिस को देने के बारे में सिविल सर्जन को पत्र लिखा गया है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। सागर नाम है मेरा। सागर जी, ये डेथ किसकी हुई है? जी मेरे साले की घर वाली है। क्या नाम था? वंदना नाम था। हम सोमवार को यहाँ पर लेकर आए थे, अच्छी भली थी, ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत भी नहीं था। सोमवार को लेकर आए, भर्ती कर लिए, बोले कि भर्ती कर दो। मैं बोला चलो ठीक है, भर्ती कर दिए। उसके बाद में ना भर्ती करने के बाद इलाज भी नहीं हुआ, ना इलाज किए, ना ग्लूकोज लगाए, ना कुछ। और कल की बात है, कल बोले कि खोल दे दो, ला दो, और मतलब बच्चा होने वाला है, 2 बजे तक का हो जाएगा। मैंने कल फ़ोन लेकर आया। उसके बाद में इन्होंने ना हमें बुलाया अंदर, ना कुछ, और अपना लोग बैठ के बातें कर रही थी, और उनको मतलब पेशाब के रास्ते से कुछ कैंची डाल के काटी, तो क्या किया, उससे ब्लड भी निकला काफी। फिर अंदर ये लोग चले गए, हम लोग जाने लगे बार बार कि यहाँ लाओ देख ले। किसी को ना अंदर जाने देती थी ना कुछ, और ना ही इलाज किए हैं। इसमें लापरवाही सिर्फ नर्स लोग की है, सारी गलती नर्स लोग की है। और जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद बोले कि मैं इनको रेफर कर रहा हूँ PGI में चंडीगढ़। और जब PGI में बैठे एम्बुलेंस से थोड़ी दूर जा के फिर वापस ले, मैं पहले जान गया था कि खत्म हो गई है। तो क्या डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है? नर्स लोग की लापरवाही, क्योंकि रात में नर्स ही रहती है, सारी की सारी लगाया ना, उसमें जहर का इंजेक्शन लगवा दिया, उनका और काला काला सा हो गया, और वो कब रोने लगी, उसका सांस रुकने लगा, और फिर हम वहाँ पर रो पड़े, हम वहाँ से चले आए। उसके बाद मम्मी को भी भेज को अंदर जाने ही नहीं थे। आपको कैसे पता लगा कि जहर का इंजेक्शन लगाया? अब क्या, और उसका काला काला पड़ गया था। नहीं, इंजेक्शन का नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब इंजेक्शन लगाया तभी उसका सांस
थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, फिर रुकने लगा, बढ़ने लगा फिर रुकने लगा। उसके बाद में फिर मेरी बहन गई देखने, तो वहाँ पर उसके ऊपर लदी थी, पता नहीं क्या कर रही थी वो लोग। तो बहन बोली कि ऐसा मत करो नहीं तो मर जाएगी। तो कहने लगी कि तुम कोई क्या लगती उनकी, तो फिर उसने बोला कि नंद लगती उनकी। तो कहने लगी कि आप नर्स हो, फिर उसको मना कर दिया, रोने भी नहीं दिया उसको और बाहर भेज दिया उसको। तो अभी आपको क्या इंसाफ चाहिए, क्या मांग? मुझे बस उन नर्स लोगों को बस सजा चाहिए, बस हमारा उनको की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमारा घर उजाड़ा है, जिंदगी हमारी तो बर्बाद हुई ना, उन लोगों की थोड़ी ना बर्बाद हुई। हमारा तो पूरा जिंदगी खराब कर दिया लोगों ने, उसके बाद मैं गई थी चुपके से देखने, मैं जब उठ रहे थे वो सब मैं रोने लगी, इस तरीके मत दबाओ फिर तुम मर जाएगी। फिर बोले तुम कौन है, मैं बोली उसकी ननद हूँ, फिर तुम बाहर जाओ, मैं अपने घर वाले को बाहर से बुला रहे, वो बोल जाएगी चलो जल्दी से, खर्च नहीं तुमको बाहर जाओ। तो क्या लग रहा है कि कैसे क्या डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई थी? पहले ही ध्यान करना चाहिए, सोमवार को हम लोग यहाँ दिखाने लेके आए थे, वो बोली यहीं पे एडमिट कर लो, यहाँ पे एडमिट बेड पे लेट आती, कोई कार्रवाई नहीं, कोई देखभाल नहीं करी। फिर बोली यहाँ 2 बजे तक बच्चा हो जाएगा, तबियत खराब तक तो बोली थी, तो उस हिसाब से दवा करना चाहिए, कोई दवा नहीं कुछ भी नहीं, अंदर हाथ डाल डाल के क्या मालूम कैंची से काट काट दिए थे, ब्लड चालू हो गया था उसका, हाथ जोड़ी की इसको देखो क्या हुआ है, उसका बच्चा होने का टाइम है क्या? तो वो बोली अभी नहीं अभी नहीं, और कोई सुनवाई नहीं, रो रही है वो लोग आधा घंटा एक घंटा तक गाय, कोई किसी का पता ही नहीं थी कि मेरे अंदर हम लोग परेशान थे वहीं पे, उसको बेड से इतना जोर धड़ाम से खींचे प्रेग्नेंट औरत को, हम लोग वहीं पे थे भी सब, जब वहाँ तक जब 8 घंटा तक वो चिल्लाई, बच्चा नजदीक आ गया था उसका होने का टाइम, हम लोग बोले बच्चा नजदीक आ गया अभी तो देख लो, बोले अभी नहीं टाइम है अभी नहीं, उसको लेट आउट कभी भी कोई झांकने नहीं आया कि होने का है टाइम की नहीं, वहीं से बैठ बैठ के ऑफिस से बता देती है। तो पहली बार अभी टाइम है, कोई सुनवाई हम लोग गरीब है तो कोई सुनवाई नहीं, कोई बड़ा आदमी होता तो उसका जल्दी सुनवाई होता। क्या पहला बच्चा था आपकी? हाँ उसका पहला बच्चा था, हो गई तो एक डॉक्टर आई उसको देखी, उसके बाद तब किसी को फोन लगा के बुलाई, तब जब तक उसका दम निकल गया था, उसके बाद हम लोग को बाहर निकाल दिया, हम लोग को अंदर ही नहीं जाने दे रहे, नारी तोड़ी तो वो बोले ना लेके गए यहाँ से कि हाँ चलो दिखाने के लिए कि चलो हो गए, रोने लगी तो बोले कि रोने की कोई बात नहीं, वो चंडीगढ़ जा रहे हैं वहाँ पे सही हो जाएंगे। मैं रोने लगी जैसे उसकी नारी चलने नहीं देखी, इतना मोटा मोटा क्या मालूम पाइप डाल डाल के उसको, जब ठीक थी तब कोई इलाज ही नहीं, जब मर गई वो तब उसके अंदर पाइप डालते। सर क्या मामला था? हमें सुबह अपना 6 बजे सिविल अस्पताल से सूचना मिली थी, एक लेडी थी वंदना जो प्रेगनेंसी में यहाँ दाखिल हुई थी 15 तारीख को, और उसकी डेथ हो गई है। उस संबंध में हम आए हैं, उसके जो पीड़िता का पति है महेश, उसके अपना हमने स्टेटमेंट ले लिया और इसमें कार्रवाई कर। तो सर परिजनों ने आरोप लगाया कि सर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई है उसकी डेथ? हाँ वो परिजन उसके आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसमें बोर्ड ऑफ डॉक्टर से हम अपना इसका पोस्टमार्टम कराएंगे और अपना इंक्वायरी भी लिखेंगे, जो भी इसमें लापरवाही करने वाले हैं उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो सर मृतक महिला की उम्र कितनी है? ये करीब 20 साल। तो पहला बच्चा था सर? जी पहला बच्चा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।